नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बेहद पॉजिटिव खबर आते हुए दिख रही है एक। अब ये इंप्लीमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन खबर बेहद पॉजिटिव है दोस्तों। ये खबर ऐसी है जो आपके हमारे डेली रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, जिसके ऊपर हमारा एक बड़ा पैसा खर्च होता है और वो बहुत ही ज्यादा सस्ता हो सकता है। जी हाँ, पेट्रोल हमारी जिंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा बन चुका है। देखिए, अगर इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे तो वो तो बहुत ही ज्यादा होंगे, अगर नेगेटिव देखोगे तो भी मिल जाएंगे आपको। हमारे लिए नहीं, ईवीज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो बड़ा फोकस है इस समय इन्वेस्टर और गवर्नमेंट का कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लो ताकि आपका पेट्रोल का खर्चा ही ना हो पाए और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे। अब उसके बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट के लिहाज से भी बात नहीं कर रहा। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ केवल अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिहाज से। हमारा एक बड़ा खर्चा होता है पेट्रोल पे। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा रहा है पेट्रोल तो लग ही लग रहा है। अगर आप सोच रहे हो मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं तो ओला उबर यूज करता हूँ भैया, मेरा कोई टेंशन, भैया वहां भी पेट्रोल के दाम बढ़ने के चलते प्राइजेस महंगे होते हैं। जैसे ही वो सब गिरेंगे वो आपका नीचे आएगा। हालांकि वो सीएनजी पे चल रही है लेकिन प्राइस उस पर पेट्रोल वाला लगता है। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ है। देखो, नई सरकार, नए मंत्री, सरकार पुरानी है बट मंत्री नहीं है, नया कार्यकाल, नया टर्म शुरू हुआ है और पूरे एक्शन में आ रही है। मैंने सुबह एक वीडियो कवर करी थी शिवराज सिंह चौहान वाली, जहां पे एग्री को लेकर उनका बड़ा फोकस है। अगले 100 दिन के लिए उन्होंने अपने प्लान बताए हैं, एजेंडा रखा है सामने। या हरदीप सिंह पुरी की तरफ से भी, जो कि पेट्रोलियम और गैस मंत्री है, इनकी तरफ से भी दोस्तों बड़े एक्शन होने लगे हैं। इन्होंने भी अपना मन जाहिर कर दिया है कि हम पेट्रोल को और गैस को जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे। देखो, आएगा नहीं आएगा वो किसी को नहीं पता, क्योंकि बात हर बार होती है, होता कभी नहीं है। लेकिन एक चीज तो समझ में आ गई, एक चीज तो क्लियर होगी कि सरकार चाहती है कि ये हो, फोकस है, भूले नहीं है, फोकस है। जब हम बार बार कोशिश करते हैं हो जाती है चीजें, तो इससे कितना बड़ा फायदा होगा अभी कैलकुलेशन भी बताऊंगा। सबसे पहले हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भैया पेट्रोल को और गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की योजना है, पूरी कोशिश रहेगी। अब हर एक डिपार्टमेंट से सबसे बात करनी पड़ती है स्टेट लेवल पे जाके कि भैया मान जाओ, क्योंकि किसी किसी स्टेट में ना बड़ा मुनाफा ही केवल यहीं से होता है। अब उनके लिए अगर मुनाफा कटेगा तो फिर वो रोक टोक लगा देते हैं, लेकिन सबका अप्रूवल अगर एक बार आ गया तो फिर ये चीज लागू हो जाएगी। और अगर ये लागू हो गई तो कितना बेनिफिट होगा आप समझिए। बेनिफिट होगा दोस्तों, अभी अपने लेवल पे बात करते हैं दिल्ली के हिसाब से। हमारे यहाँ 96 रुपए के समथिंग का पेट्रोल है लीट पर लीटर, जहां पे 20 रुपए एक्साइज ड्यूटी जाती है और 15% के करीब का टैक्स जा रहा है आपका, तो टोटल अराउंड 35 रुपए करीब जा रहा है। ऐसे ही 95 पे 35 रुपए लगाओ, 95-96 पे, तो ये आपका ऑलमोस्ट 38% के करीब का टैक्स बन गया। 18% पे आ गए हम तो सीधे 20 रुपए के करीब का हमारा मुनाफा होगा प्रति लीटर, यानी कि जो अभी 96 रुपए लीटर है वो हो जाएगा 76 रुपए लीटर के करीब अप्रोक्स। और अगर कुछ नहीं, 18 नहीं आए तो 28 पे आ गए तो भी अपना 7-8 रुपए प्रति लीटर फायदा होगा। यहाँ पे 1 रुपए लीटर से इतना बवाल मच जाता है, तो 7-8 रुपए लीटर से तो हम लोग बहुत खुश हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो बहुत बड़े लेवल पे खुशी आते हुए दिख सकती है। अब ये स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो क्या है, देखो स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो ईवी को एक झटका लगेगा, सीएनजी को भी लग सकता है क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, सीएनजी को ऑलमोस्ट, अब सीएनजी पेट्रोल बराबर ही पहुंच रहे हैं तो सीएनजी को भी सस्ता करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें थोड़ी नेगेटिव होंगी। बट ओवरऑल देखा जाए तो एज अ कंज्यूमर, एज अ इन्फ्लेशन, बहुत बड़ी राहत होगी ये देश के लिए, बहुत बड़ी। और सरकार के पास भी होगा कि हम पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाके पेट्रोल सस्ता करा हम लोगों ने अपने लोगों के लिए। तो मेरे को लगता है अगर ये हो जाए तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इन सबके लिए पॉजिटिव ही माना जाएगा। इनके लिए बड़ी एक मतलब बड़ी पॉजिटिविटी होगी क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी अचानक से, जितने लोग शिफ्ट हो रहे हैं इधर उधर वो फिर पेट्रोल डलाना प्रेफर करने लगेंगे। तो मेरे को लगता है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है अपडेट मैं बता दूं, ONGC इंडिया ऑयल मिनिस्टर सेज कंपनी एज, ये तो दूसरी खबर है, मैं आपके साथ दूसरी बता दूं, ये भी नहीं है, ये तो ONGC के लिए पर्टिकुलरली खबर है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं। ये खबर जो है वो प्रॉपरली है कि जीएसटी के दायरे में गैस को और आपका उसको लाने की तैयारी में है।
तो हरदीप सिंह पुरी जी ने क्लियरली मंशा जताई है और कहा है कि सरकार इस पे काम करेगी, अगर सबसे बातचीत बन गई तो होगा, अगर होता है देन डेफिनेटली हम लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। बाकी बाजार बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, डीआई के पास ट्रेड कर रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, सुबह से तेजी में है। प्रायोरिटी टू ब्रिंग नेचुरल गैस अंडर जीएसटी विल ट्राई फॉर दैट ऑयल मिनिस्टर, ये क्लियरली कहा गया है कि प्रायोरिटी है जो हमारी कि हम नेचुरल गैस को भी अंडर जीएसटी लेके आए, कोशिश है, अब देखो होती है नहीं होती है। तो ये अभी की फ्रेश अपडेट थी, बड़ी अपडेट थी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।